हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हमारी ये वाली क्लासेस जो चल रही थी वो पेडागोजी एंड साइकोलॉजी के अंदर जो हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड सॉरी पेडागोजी की जो हमारी थ्योरीज करवा रही थी मैं आपको, इससे पहले वाली वीडियो आप चेक कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने थ्रॉनडाइक की थ्योरी करवाई है कि थ्रॉनडाइक जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, क्यों किया था, उसका लर्निंग से कैसे वो कनेक्शन था, ठीक है, कि बच्चे को हम एज अ टीचर कैसे टैकल कर सकते हो और कैसे उसका हमारा एजुकेशन और लर्निंग के साथ कनेक्शन है या हमारे लिए यूज़फुल है। आज उसी में हम अपनी सेकंड थ्योरी करने वाले हैं, वो है हमारी, इसके चार नाम हैं। फर्स्ट है कंडीशनल रिस्पॉन्स थ्योरी, यानी कि अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत। अनुबंधित यानी कि कंडीशन, एक कंडीशन आपके सामने रखी जाती है कि आपको इस कंडीशन में ये चीज़ करनी ही करनी है, वहाँ पे कोई सेकेंड थॉट या सेकेंड ऑप्शन आपके पास है ही नहीं कि वहाँ पे आप कुछ और अप्लाई कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आप खाना बना रहे हो और खाना बनाते बनाते जैसे रोटियां बना रहे हैं और तवा जो है बहुत गर्म है, रोटियां बनाते बनाते आपका हाथ इंस्टेंटली एकदम से तवे पे लग जाता है, तो वहाँ पे क्या आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स क्या होगा? वहाँ पे यही होगा ना कि गर्म चीज़ पे हाथ पड़ा आपका और आपने हाथ पड़ते ही आपको फील कुछ हुआ, सेंसेशन हुआ, कुछ आपको फील हुआ कि गर्म लग रहा है या जल रहा है, तो आपने तुरंत अपना हाथ क्या वहाँ से हटा लिया। वहाँ पे कोई सेकेंड थॉट तो नहीं है ना कि आपका हाथ वहाँ पड़ा, आप सोचेंगे हटाऊँ ना हटाऊँ, चल छोड़ दे थोड़ी देर, 5-10 मिनट ऐसे ही छोड़ दे, वहाँ वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे इस तरह की कंडीशन है कि वहाँ पे आपको वो रिस्पॉन्स करना ही करना है किसी हालत में भी। जब आपको कोई चीज़ गर्म ठंडी लगती है तो आप क्या है फटाफट से वहाँ पे रिस्पॉन्स करते हैं बिना सोचे समझे। या आप रोड पे जा रहे हैं तो सामने से बहुत तेज़ स्पीड में कोई गाड़ी आ रही है, कोई बाइक आ रही है, तो आप फटाफट क्या है चलते चलते अचानक रुक जाते हैं या पीछे की तरफ मूव करते हैं बचने के लिए, तो वहाँ पे भी आपको कोई सेकंड थॉट नहीं आती सोचने के लिए कि नहीं रुक जाता हूँ, नहीं रुकता ये वो, ठीक है, वो एकदम कंडीशनली हो जाता है आपके साथ, अचानक से वो चीज़ें क्या है हो जाती है, अनकंडीशनली आपके साथ वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो फर्स्ट इसको बोलते हैं अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत, यानी कि कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी, कोई कंडीशंस आपके साथ हैं। फिर आता है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। फिर आता है रिस्पॉन्ड कंडीशनिंग थ्योरी, जो मैंने अभी आपको बताया कि आपका गर्म चीज़ पे हाथ पड़ा तो आपने एकदम से रिस्पॉन्स किया, तो प्रतिवादिक अनुबंधन का सिद्धांत। लास्ट इसका नाम है जो इसको बोलते हैं टाइप एस कंडीशनिंग थ्योरी, यानी कि टाइप एस अनुबंधन का सिद्धांत। ये सारे नाम मैंने आपके साथ इसलिए डिस्कस किए हैं कि ज़रूरी नहीं आपसे ये पूछा जाए कि क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आपकी किसने दी है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी किसकी है, रिस्पॉन्ड कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है, इसके प्रतिपादक कौन है, इसके जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो कौन है। ये है हमारे IP Pavlov, ठीक है, ये वाली जो हमारी थ्योरी दी है कंडीशनिंग थ्योरी वो हमारी IP Pavlov ने दी है। अब इन्होंने जो ये थ्योरी के अंदर बात की गई थी उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया, पेवलोन ने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया, डॉग पर यानी कि कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया। मेन उनका एक्सपेरिमेंट किस चीज़ पर था ये भी बात कर लेते हैं, और पूरी जो उनका एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में भी मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगी। तो IP Pavlov ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कुत्ते के ऊपर किया था, यानी कि डॉग के ऊपर किया था, और उन्होंने सिलाइवा यानी कि लार जो होती है ना, जैसे मान लीजिए किसी का मटर पनीर बहुत फेवरेट है और आज घर पे मटर पनीर बना है, तो अगर बच्चा मम्मी से पूछता है मम्मी आज क्या बनाया है खाने में, तो मम्मी बोलती है कि आज तो मटर पनीर बना है, तो बच्चे के एकदम मुंह में क्या है सलाइवा रिलीज होने लगता है कि ओ यम आज तो मटर पनीर बना है मेरा फेवरेट। तो बच्चे को अगर भूख भी नहीं होती ना तो तुरंत उसको भूख लग जाती है कि मम्मा बस जल्दी से ले आओ भूख लगी है, ठीक है। तो जब उसकी मम्मा उसको सर्व कर रही होती हैं, बर्तन में डाल रही होती है, तो तभी बच्चे के मुंह में क्या है पानी आने लगता है उसको देख देख के। या फिर कभी कई बार होता है ऐसा कि अगर मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रही हूँ ना कुछ खाने के बारे में तो मेरे मुंह में भी पानी आने लगता है, ओ यम्मी मटर पनीर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है,
ये सारी क्या है, ये सारी अनकंडीशनल चीज़ें हैं। तो इसीलिए पेवलोन ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, जो उसकी सलाइवा रिलीज होने पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि लार में क्या है, ठीक है, सलाइवा। अब पेवलोन जी ने क्या किया था कि एक डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया था, उस डॉग को उन्होंने एक जो स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया था, एक ऐसे स्ट्रक्चर बनाया गया था जिसके अंदर यहाँ पे चेन और पट्टे और यहाँ पे डॉग के खड़े होने की जगह थी। तो यहाँ पे जैसे डॉग खड़ा हुआ है तो उसको इन चीज़ों से, जंजीरों से, चेन से क्या था, बांध दिया गया था, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया था कि डॉग को, एक हंगर डॉग था, भूखा था, उसको यहाँ पे एक बॉक्स के ऊपर, एक मतलब प्लेटफॉर्म टाइप पे, जैसे एक चद्दर या प्लेटफॉर्म होता है, स्टेज होती है, उसके ऊपर कुछ कंडीशंस में बांध दिया गया था, कुछ चेन्स में बांध दिया गया था उसको, ठीक है। तो उसके साथ कंडीशन क्या रखी थी, उसके साथ कंडीशन ये थी कि जब भी कुत्ते के लिए, उस डॉग के लिए खाना आता था तो उससे पहले उसके लिए एक घंटी बजाई जाती थी, यहाँ पर एक बेल का ऑप्शन रखा था कि अगर मान लीजिए डॉग को 10 मिनट में खाना मिलने वाला है तो उस कंडीशन में डॉग के लिए 2 मिनट पहले क्या है, एक बेल रिंग होती थी, ट्रिन ट्रिन की, अब उसको खाना दे दिया जाए। फिर क्या था, फिर जो खाना लेकर आता था तो उसके कदमों की आवाज़ आती थी, मतलब वो रूम, वो कमरा इतना साइलेंट था कि जो भी बंदा वहाँ पे खाना लेकर आता था उसके कदमों की आवाज़ डॉग को साफ सुनाई पड़ती थी, ठीक है। तो यहाँ पे दो कंडीशंस हो गई, पहली कंडीशन की बेल प्रेस हो रही थी, सेकंड कंडीशन डॉग के साथ रखी गई थी कि कदमों की आवाज़ आना, ठीक है। तो जब पेवलोन के थ्रू ये एक्सपेरिमेंट किया गया तो फर्स्ट टाइम पे क्या किया गया कि जो वो भूखा डॉग था उसको बांध के रखा गया था, उसके लिए कुछ टाइम के बाद, 2 सेकंड के बाद एक बेल प्रेस हुई ट्रिंग ट्रिंग, और उसके 1 सेकंड बाद उसको खाना मिल गया, डॉग ने आराम से खा लिया। डॉग वहाँ पे उस कंडीशन में क्या था, बिल्कुल नेचुरल था, उसको पता ही नहीं था क्या हो रहा है, वो सोच रहा था, बस देख रहा था कि बेल रिंग हुई है, खाना आ गया, ठीक है, नेचुरल था, उसने खाना खा लिया, अपनी भूख मिटा ली। सेकेंड टाइम जब वो एक्सपेरिमेंट किया गया, फिर डॉग बिल्कुल शांत बैठा था, फिर बेल रिंग हुई ट्रिंग ट्रिंग करके, फिर डॉग के दिमाग में क्या आया कि पहली वाली कंडीशन में जब उसको खाना मिला था तो कुछ इसी तरह की बेल रिंग हुई थी, देन उसको खाना मिला था, तो वहाँ पे क्या था, डॉग थोड़ा एक्टिव हो गया कि शायद मुझे इसके बाद खाना मिलने वाला है। फिर उसने सेकंड कंडीशन क्या ऑब्जर्व करी, देन कदमों की आवाज़ आनी शुरू हुई, फिर उसे खाना मिल गया। जब थर्ड टाइम एक्सपेरिमेंट किया गया पेवलोन के द्वारा सेम कंडीशन में, तो जब डॉग बैठा हुआ था, जैसे ही बेल रिंग हुई वैसे ही डॉग अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया, और उसके मुंह में क्या था, सलाइवा रिलीज होने लगा, पानी आने लगा, लार आने लगी कि यस मुझे अब खाना मिलेगा, बेल रिंग हो गई है, यानी कि मेरा खाने का टाइम हो गया है। तो डॉग को इतनी ऑब्जर्वेशन हो गई थी कि बेल रिंग होने के 1 सेकंड बाद ही मुझे खाना मिल जाता है, तो उसको पता था कि अब कदमों की आवाज़ आएगी। फिर क्या था, कदमों की आवाज़ आई, उसको खाना मिल गया। तो ये सारी जो कंडीशंस डॉग के साथ हुई, डॉग ने स्टेज बाय स्टेज, वन बाय वन ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया कि पहले बेल रिंग होती है, इतने टाइम के बाद होती है, फिर उतने डिस्टेंस के टाइम के बाद, इतने टाइम डिस्टेंस के बाद मुझे खाना मिलता है, और किस तरीके से जब खाना कोई लेकर आता है तो कदमों की आवाज़ आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट किया गया था पेवलोन के थ्रू, वो इस चीज़ पर किया गया था कि हम किसी भी कंडीशंस में रखकर बच्चे को कोई भी चीज़ें सिखा सकते हैं। लेकिन उन्होंने 2 चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन करी थी, पेवलोन ने 2 कंडीशंस रखी थी जो ये सारा एक्सपेरिमेंट है। फर्स्ट था अनकंडीशनल क्लासिकल रिस्पॉन्स,
पेवलॉन ने ये दो चीज़ें यहाँ पे कंडीशंस रखी थी, अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स और अनकंडीशनिंग रिस्पॉन्स। सेकंड रखी थी कंडीशनिंग रिस्पॉन्स स्ट्रीमलेस और कंडीशनिंग रिस्पॉन्स। इसमें क्या बात बोली थी, ये क्यों रखे गए थे? पहली होती है अनकंडीशनल स्ट्रीमलेस। अगर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले कि अगर खाना बनाते टाइम आपका गर्म तवे पे हाथ पड़ जाता है, तो वहाँ पे क्या हुआ, जो आपको स्ट्रीमलेस मिला, स्ट्रीमलेस क्या मिला, गर्म चीज़ आपको कोई लगी तो आपने तुरंत एकदम से क्या रिस्पॉन्स किया कि आपने अपना हाथ हटा लिया। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप किसी हाइट पे खड़े हैं, बहुत ज़्यादा छत पे खड़े हैं और किसी हाइट पे हैं छत पे और आपको आभास हो रहा है कि आंधी आने वाली है, वो तो अनकंडीशनल है ना, आपको पता नहीं है ना आंधी आने वाली है नहीं आने वाली, या आपके आपको पहले किसी ने बताया है कि हाँ अभी 15 मिनट में आंधी आ जाएगी, नहीं पता ना, तो आप वहाँ पे अनकंडीशनली खड़े हैं, तो आपको स्ट्रीमलेस, वहाँ पे स्ट्रीमलेस क्या मिल रहा है अनकंडीशनल, कि आंधी आने वाली है, तो आप वहाँ पे रिस्पॉन्स क्या करेंगे, उस हाइट से तुरंत नीचे उतर जाएंगे कि मेरे साथ कोई घटना ना घट जाए, मैं नीचे ना गिर जाऊँ, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, वहाँ पे अनकंडीशनिंग आपके साथ हुई और वहीं पे आपने अनकंडीशनली रिस्पॉन्स किया। मान लीजिए कोई बच्चा बाइक ड्राइव कर रहा है और एकदम से बीच में से कोई आ जाता है, कट मार रहा है या आपको ओवरटेक कर रहा है, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, आप तो एकदम आराम से अपनी बाइक ड्राइव कर रहे हैं, आपको पता है आपको सीधा जाना है, तो आप आराम से अपनी ड्राइविंग अपनी नॉर्मल स्पीड में ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई अनकंडीशनल स्ट्रीमलेस आपको मिल रहा है किसी के थ्रू, एकदम से बीच में आपके कोई आ जाता है, तो वो कंडीशंस तो आपने सोची नहीं थी ना कि ये कंडीशन भी आपके साथ होगी, वो तो ऑटोमेटिकली एकदम अचानक आपके को कोई ओवरटेक करते हुए या गलत रास्ते से या कुछ अचानक से आपके बीच में आ गया, तो वहाँ पे आपका एकदम रिस्पॉन्स क्या होगा, वहाँ पे आप तुरंत ब्रेक मार देंगे, राइट। तो वहाँ पे क्या हुई, जो आपको अनकंडीशनल स्ट्रीमलेस मिल रहा है किसी के थ्रू, वहाँ पे आप अनकंडीशनल रिस्पॉन्स करेंगे। सेकेंड उन्होंने बोला है कंडीशनल स्ट्रीमलेस और कंडीशनल रिस्पॉन्स। यहाँ पे कंडीशंस हैं, यहाँ पे कंडीशंस ये हैं कि अगर आपको बाइक ड्राइव करनी है तो आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए कि बाइक के अंदर ब्रेक होते हैं, गियर होते हैं, कौन सी स्पीड में आपको बाइक ड्राइव करनी है, हाईवे पे कैसे करनी है, नॉर्मल में कैसे करनी है, ट्रैफिक में कैसे करनी है, तो वहाँ पे कंडीशंस आपके साथ रखी गई हैं, आपको किसी के थ्रू वहाँ पे बताया गया है कि ये सिचुएशन में आपको ये चीज़ें करनी ही करनी है। अगर आप रेड लाइट पर खड़े हैं या रेड लाइट पर जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे पता है कि आपको वहाँ पे ब्रेक लगाने ही लगाने हैं, तो आपके साथ ये वाली कंडीशनल है, आपको पहले से ही बता दी गई है ये चीज़ें कि वहाँ पे आपको इसी तरीके का रिस्पॉन्स करना है, ठीक है, वहाँ पे आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, तो वहीं पे आप कंडीशनिंग रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ पढ़ ली कि आईपी पेवलॉन ने जो थ्योरी दी थी, जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो अपना डॉग के ऊपर किया था, सिलाइवा रिलीज लार में, कि वो बच्चे को अगर हम कोई भी चीज़ सिखाते हैं तो वो हम दो चीज़ों में, कंडीशंस में बच्चा सीखता है, एक अनकंडीशनल होता है उसके लिए, एक कंडीशनल होता है, ठीक है, जिसके थ्रू ही वो रिस्पॉन्स करता है, या तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स करता है या कंडीशनल रिस्पॉन्स करता है, ओके। तो अब ये समझ लेते हैं कि इसका एजुकेशनली क्या यूज़ है, ठीक है। देखिए एजुकेशनली फर्स्ट जो इसका यूज़ है, एजुकेशनली जो इसका यूज़ है उसमें फर्स्ट यूज़ है इसका टाइम मैनेजमेंट, यानी कि समय अंतराल, ये सारी चीज़ें। अगर आप किसी बच्चे को कोई भी टॉपिक सिखा रहे हैं तो एज अ टीचर आपको ये पता होना चाहिए कि किस टॉपिक के बीच में कितना टाइम डिस्टेंस मेंटेन करके आपको उस बच्चे को वो सारी चीज़ें सिखानी है। अगर कोई सेम दो कॉन्सेप्ट है और उसके अंदर आप ज़्यादा ही टाइम गैप कर देते हैं तो बच्चा उस चीज़ को पॉजिटिव नहीं सीख पाता है, उनको आपस में कोरिलेट नहीं कर पाता है। अगर मान लीजिए अगर आपने बच्चे को प्लस सिखाया है
दो दिन प्रैक्टिस के बाद बच्चे को ये पता चल जाता है कि प्लस कैसे होते हैं. तो आपकी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि आप उसको माइनस का कॉन्सेप्ट भी सिखा दें कि हम ऐसे जोड़ते हैं तो ऐसे पीछे आके उसको घटा भी सकते हैं. लेकिन अगर आपने प्लस आज सिखा दिया, एक महीने बाद माइनस सिखा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, बच्चा प्लस का कॉन्सेप्ट ही भूल जाएगा कि प्लस में क्या सीखा था कि दो कदम आगे चढ़ना, तो माइनस में क्या करना है, दो कदम पीछे आना उससे. तो इसीलिए आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करना आना चाहिए कि किन दो टॉपिक्स के बीच में आपको सही टाइम डिस्टेंस रखना है, टाइम मैनेज करना है, किन दो टॉपिक्स को आपको कोरिलेट करके पढ़ाना है या उनका मैनेजमेंट इस तरीके से रखना है कि बच्चा आपस में कोरिलेट कर सके, मैनेज कर सके. ठीक है, सेकेंड इसका पॉइंट आता है जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन यानी कि सामान्यकरण. सामान्यकरण और जनरलाइजेशन से मतलब ये है कि बच्चे को ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि अगर आप ये वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसको वो कहाँ पे यूज़ कर सकता है, कहाँ पे उसको वो अपनी लाइफ में जनरलाइज कर सकता है, सामान्यकरण कर सकता है सेकंड टॉपिक से. अगर मान लीजिए आप बच्चे को एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं या तो उस एनवायरनमेंट के बारे में आपने क्या क्या चीज़ें, आप वहाँ पे पोल्यूशन भी पढ़ा सकते हैं कि एनवायरनमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, हमारा अर्थ होता है, पोल्यूशन होता है, वाटर होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं. तो वाटर पोल्यूशंस कैसे होते हैं, एयर पोल्यूशंस कैसे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है लेकिन अलग अलग टॉपिक्स हैं. तो इसीलिए बच्चे को अगर इन लोगों इन चीज़ों के बीच में जनरलाइजेशन करना आता है कि हाँ ये सारी चीज़ें एक ही कॉन्सेप्ट का पार्ट है, तो बच्चा बहुत अच्छे से सीख जाता है. और आपको भी एज अ टीचर उसको ऐसे सिखाना चाहिए कि बच्चा किसी भी टॉपिक का जनरलाइजेशन कर सके, उसका सामान्यकरण कर सके, उसको ये पता हो सके कि ये टॉपिक क्या है, ये क्या है, वो उसको कहाँ पे यूज़ कर सकता है, कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकता है. उसके बाद सेकंड आता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विभेद करना. जैसे बच्चे को जनरलाइजेशन करना आना चाहिए कि दोनों के बीचों में जो भी उसको कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं, सिखाए जा रहे हैं, वो क्यों सिखाए जा रहे हैं, उनका आपस में कोरिलेशंस क्या हैं, वैसे ही उसको विभेदीकरण करना आना चाहिए कि उनको आपस में बांट भी सके कि ये चीज़ कैसे अलग है, ये कैसे अलग है, इसका यूज़ आपको कहाँ करना है और इसका यूज़ आपको कहाँ करना है. तो बच्चे को इस वे में पढ़ाया जाना चाहिए कि बच्चा, जैसे आप मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, मैथ्स के कॉन्सेप्ट में जब आप वो समीकरण या सिंप्लीफिकेशंस बच्चे को करना सिखाते हैं, तो बच्चा उसके अंदर क्या करता है, चीज़ों को तोड़ना, फिर जोड़ना, फिर जोड़ना, फिर तोड़ना, ये सारी चीज़ें करता है. तो उससे बच्चे को पता होता है कि कौन से कॉन्सेप्ट को वो तोड़ सकता है, किसको जोड़ सकता है. तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर है कि बच्चे को किसी भी चीज़ को तोड़ना आना चाहिए और किसी भी चीज़ को जोड़ना अच्छे से आना चाहिए. इस अब ये देखिए, पेवलॉन की जो हमारी थ्योरी थी वो ये सारे पॉइंट्स कवर करती है. टाइम मैनेजमेंट तो आपको पता चल गया कि डॉग ने कैसे किया, जनरलाइजेशन उसने कैसे किया, उसने डॉग को ये पता था कि बेल रिंग होने के बाद एक और स्टिमुलस उसे मिलेगा, वो क्या है, कदमों की आवाज़ आना. ठीक है, तो वहाँ पे उसने उन दोनों का सामान्यकरण स्थापित किया कि फर्स्ट मुझे बेल की रिंग आएगी, देन कदमों की आवाज़ आएगी, तो थर्ड मतलब मुझे पक्का डेफिनेटली खाना मिल जाएगा. अब उसको विभेदीकरण करना भी आ गया, यानी कि डिस्क्रिमिनेशंस भी करना आ गया कि हाँ तीनों चीज़ें जो कंडीशंस मेरे साथ रखी गई थी वो तीनों अलग अलग क्या थी. फोर्थ पॉइंट हमारा क्या आता है, रेनफोर्समेंट यानी कि पुनर्वलन. पुनर्वलन या रेनफोर्समेंट देना बच्चे को उतना ही ज़रूरी है जितना लर्निंग कराना, पढ़ाना. अगर आप बच्चे को रेनफोर्समेंट नहीं देते हो, मान लीजिए एज अ टीचर आप भी स्कूल में पढ़ा रहे हो, तो आप भी किसी मोटिव के लिए ही पढ़ा रहे होंगे ना, वहाँ पे आपको उसके लिए सैलरी मिलती है या फिर आपको समाज सेवा करनी है या जो भी काम करना है, किसी ना किसी के थ्रू आप मोटिवेट हो रहे हो, आपको रेनफोर्समेंट मिल रहा है, तभी तो आप वो काम कर रहे हो. तो बच्चे भी लर्निंग क्यों करेंगे बिना रेनफोर्समेंट. तो इसीलिए
जब भी बच्चे को अगर प्रॉपर लर्निंग करवानी है तो एज अ टीचर आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बच्चे को पुनर्वलन प्रोवाइड करें, यानी कि रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करें. अगर बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है तो उसको वहाँ पे मोटिवेट करें, गुड, वेरी गुड, वेरी शाबाश, या जो भी आप उसको ग्रेड्स देते हैं, या ओरली या क्लासरूम में उसके लिए क्लैपिंग करवाते हैं. ये सारी चीज़ें कीजिए ताकि बच्चा खुद मोटिवेट हो नेक्स्ट टाइम और अच्छे से करने के लिए. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये रेनफोर्समेंट होते हैं, ये हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं. अगर बच्चे के अंदर कोई अच्छी आदत डेवलप करनी है तो आप वहाँ पे पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दोगे, आप उसको शाबाशी दोगे, चॉकलेट लाके दोगे, बच्चों से क्लैपिंग करवाओगे ताकि बच्चे और अच्छा करे. और अगर आप बच्चे की किसी आदत को आपको छुड़वाना है कि बच्चे के अंदर बैड हैबिट्स आ गई हैं, तो बच्चे को आपको वो गलत आदतें छुड़वानी है, तो आप उसको डांट लगाओगे या बोलोगे कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको क्लास में बच्चों के सामने शेम शेम करवाऊंगी या पेरेंट्स से कंप्लेन करूंगी. तो इससे क्या है, बच्चा डर जाएगा, वो सारी चीज़ें वो करना अवॉइड कर देगा. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपको एज ए टीचर पता होना चाहिए कि बच्चे को रेनफोर्समेंट कब, कहाँ, क्यों देना है, पॉजिटिव नेगेटिव किस वे में देना है. उस डॉग को भी कैसे रेनफोर्समेंट मिल रहा था, खाना मिलने के बाद. जब बच्चा वो सॉरी डॉग हंगर था, उसके मुंह से सलाइवा रिलीज हो रहा था उन कंडीशंस में कि बेल रिंग हो रही है वो, तो लास्ट में उसको रेनफोर्समेंट के थ्रू पे क्या मिल रहा था, उसको खाना मिल जा रहा था. ऐसा तो नहीं था ना बेल बजने के बाद और कदमों की आवाज़ आने के बाद उसको खाना ही नहीं मिल रहा था, तब तो वो उदास हो जाता, उसके लिए नेगेटिव रिस्पॉन्स हो जाता, वो नेगेटिव रेनफोर्समेंट हो जाता कि वो डॉग भी सोचता छोड़ परे मैं क्यों उठ के फालतू में इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ, इतना एक्टिव हो रहा हूँ, खाना तो मिलता ही नहीं है ये सारी कंडीशंस होने के बाद, है ना. तो वहाँ पे क्या था कि डॉग के साथ भी एक पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दिया जा रहा था डॉग को, कि उसको खाना मिल रहा था अपनी भूख को शांत करने के लिए. तो आपको भी बच्चे को इसी प्रकार से मोटिवेट करना है रेनफोर्समेंट के थ्रू, कि आप उसको पॉजिटिव और नेगेटिव रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करा के उसका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं उसको, ठीक है, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन में, फ्यूचर सिचुएशंस में. उसके बाद आता है फोर्थ, रेपिटेशन, यानी कि पुनरावृत्ति करना, यानी कि रिपीट करना. जैसे डॉग के साथ एक कंडीशन बार बार रिपीट करी जा रही थी, तो बच्चे को क्या था, सॉरी उस डॉग को क्या था, बार बार रिपीट होने के बाद उसने अच्छे से ये चीज़ लर्न कर ली कि हाँ ये सारी कंडीशंस होने के बाद मेरे साथ खाना मिल जाता है. तो वो उसको अच्छे से लर्न हो जाती थी, उसको पता था कि अभी बेल रिंग होगी, अभी कदमों की आवाज़ आएगी, मुझे खाना मिल जाएगा. तो इसीलिए बच्चे के साथ भी जब आप एक चीज़ को बार बार रिपीट करवाते हैं उसकी डेली लाइफ में, जैसे थ्रॉनडाइक ने बताया था कि एक्सरसाइज करवाना है, वैसे ही पेवलोन बता रहे हैं आपको कि बच्चे के लिए रेपिटेशंस का रखना है, कि आप उसको होमवर्क करें, होमवर्क करवाएं और उसको एक्सरसाइजेस के लिए दें, रेपिटेशंस के लिए दें, या वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ करें. तो इन सारी कंडीशंस में क्या होगा, बच्चा उसको अपनी परमानेंट नॉलेज में इंक्रीज कर लेगा और उसको परमानेंट नॉलेज में डेवलप कर लेगा. तो इसके लिए आपको कोई भी कंडीशन जो भी आप करवा रहे हैं, चाहे वो अनकंडीशनल हो या कंडीशनिंग हो, कुछ भी हो क्लासरूम टीचिंग के अंदर या बाहर, तो कोई भी ऐसी चीज़ करवाएं ताकि बच्चा उसको अपने घर पे भी जाके उसको रिपीट कर सके, उसकी एक्सरसाइज कर सके, ताकि बच्चे को वो चीज़ लर्न हो जाए. ताकि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, मैथ, साइंस, ऑल ओवर कुछ भी, एनीथिंग एल्स, तो वो बच्चा अच्छे से रिपीट कर सके, प्रैक्टिस कर सके, ठीक है. तो अब आपको ये पता चल गया, इसके चार नाम हैं, अनुबंधित अनुक्रिया, कंडीशनिंग रिस्पॉन्स थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, रिस्पॉन्ड आपको पता ही है कि वो रिस्पॉन्स करता था, तो इसीलिए इसका नाम रिस्पॉन्ड कंडीशनिंग थ्योरी रख दिया, यानी कि प्रतिवादिक अनुबंधन सिद्धांत, और टाइप एस कंडीशनिंग थ्योरी, टाइप एस अनुबंधन का सिद्धांत. ये हमारा किसने दिया है, आईपी पेवलोन ने दिया है, जिन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, उसको एक कंडीशंस में बांध के रखा था,
सलाइवा रिलीज होने पे उन्होंने जोर दिया था कि वो कितना एक्टिव हो जाता है, कितना इंटरेस्टेड होता है, उसके वो सारी कंडीशंस जब उसके सामने आती हैं, और लास्टली उसको रेनफोर्समेंट के थ्रू उसको खाना मिल जाता है जिससे वो क्या है अपनी भूख शांत कर लेता है, और यही सारी कंडीशंस उसके साथ बार बार रिपीट करने पर वो उसको एक टाइम पर इतनी ज़्यादा लर्न हो जाती है कि वो इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता है, क्योंकि उसको पता है कि ये सारी कंडीशंस के बाद मुझे खाना मिलना है। ठीक है, तो ये सेकंड थ्योरी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट थ्योरी के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।